नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो चलिए नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते शनिवार तड़के अमेरिका के दौरे पर रवाना हो गए हैं। बता दें कि आज यानी 22 सितंबर को वो न्यूजर्सी में भारतीय समुदाय से जुड़े कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी अपने दौरे के आखिरी दिन 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र के समिट ऑफ द फ्यूचर में भी हिस्सा लेंगे। SBI ऑफिसर्स एसोसिएशन पटना मंडल की सेंट्रल कमेटी तथा जोनल कमेटी के 2024-27 सत्र के लिए आज यानी 22 सितंबर को चुनाव होगा। बता दें इस त्रिवार्षिक चुनाव को लेकर शुक्रवार को SBI रांची शाखा के कैंटीन में सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में रांची तथा आसपास की शाखाओं के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। अजमेर के आदर्श नगर यार्ड स्थित संपार संख्या 3 स्पेशल विज्ञान नगर फाटक आज यानी 22 सितंबर को सुबह 9 बजे से 6 बजे तक बंद रखा जाएगा। बता दें यहां थ्रू ट्रैक रिन्यूअल कार्य होगा। सीकर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा आज यानी 22 सितंबर को प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन किया जाएगा। बता दें कि संगठन के जिला संघचालक चितरंजन सिंह राठौर व नगर संघचालक डॉक्टर नागरमल गोयल ने बताया कि सम्मेलन दोपहर 3 बजे बजाज रोड स्थित जैन भवन में होगा। भीलवाड़ा आसाराम आश्रम ट्रस्ट की ओर से रविवार संकीर्तन यात्रा आज यानी 22 सितंबर को महुआ खुर्द में निकाली जाएगी। बता दें कि आश्रम संचालक कैलाश चंद शर्मा ने बताया कि संकीर्तन के दौरान भजन व कीर्तन के साथ ही साहित्य वितरण किया जाएगा। दाता रामगढ़ काटिया में शहीद सूबेदार नारायण सिंह की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में रात्रिकालीन एक दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता आज यानी 22 सितंबर को आयोजित होगी। बता दें इसका आयोजन चौराहा के खेल मैदान पर कबड्डी प्रतियोगिता आज शाम 5 बजे शुभारंभ किया जाएगा। भीलवाड़ा में जिला यूनेस्को एसोसिएशन के तत्वाधान में जिला स्तरीय प्रतिभावान सम्मान समारोह आज यानी 22 सितंबर को नगर निगम टाउन हॉल में होगा। बता दें कि प्रदेश संयोजक गोपाल लाल माली ने बताया कि समारोह में मुख्य अतिथि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग केंद्रीय राज्य मंत्री उपस्थित रहेंगे। सीकर में ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान की साधारण सभा का 36वां वार्षिक अधिवेशन आज यानी 22 सितंबर को होगा। बता दें अधिवेशन सुबह 11 बजे शिवसिंहपुरा स्थित संस्थान परिसर के सिल्वर जुबली हॉल में किया जाएगा। इस अधिवेशन में संस्थान के सभी सदस्य शामिल होंगे। जोधपुर में कायलाना रोड स्थित संबोधि धाम में राष्ट्र संत ललित प्रभु महाराज और चंद्र प्रभु महाराज एवं डॉक्टर मुनि शांतिप्रिय सागर महाराज के सानिध्य में जीवन परिवर्तन के विशिष्ट 15 दिवसीय प्रवचन माला आज यानी 22 सितंबर से 6 अक्टूबर तक होगी। बता दें रोजाना सुबह 9 बजे से होगी। दिल्ली में आज बारिश की कोई संभावना नहीं। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली को ग्रीन जोन में रखा गया है। बता दें शहर में आने वाले दिनों में बारिश की संभावना बनती नजर नहीं आ रही है। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो चलिए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। साल 1792 में आज के दिन फ्रांस गणराज्य की स्थापना की घोषणा हुई। साल 1914 में आज के दिन मद्रास बंदरगाह पर जर्मन युद्धपोत इम्देन ने बमबारी की। साल 1966 में आज के दिन अमेरिका यान सर्वेयर 2 चंद्रमा की सतह से टकराया। साल 1979 में आज के दिन भारतीय समाचार वक्ता रोहित सरदाना का जन्म हुआ था। साल 2011 में आज के दिन मशहूर भारतीय क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी का निधन हुआ था। मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।